द्विवेदी साइंस एंड कॉमर्स एकेडमी, लीडिंग इन रिजल्ट्स ईयर बाय ईयर, ब्रजनैनी नगर, गंगा गार्डन के पास, माता मंदिर लिम्बोदी, इंदौर, मध्य प्रदेश। कॉल 7566663636, 7566667676। आपको समझने की सबसे ज्यादा जरूरत यह है कि आज जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं, क्लास कोई सी भी हो, फिर से बता रहा हूं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 मतलब नहीं है, कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, पीजी कर रहे हैं, बेसिक चीज है। मीन को माध्य, हिंदी में क्या कहते हैं माध्य, इंग्लिश में क्या कहते हैं मीन भी कहते हैं और एवरेज भी कहते हैं, घटना मीन भी कहते हैं और एवरेज भी कहते हैं। अच्छा, मीन भी कहते हैं और एवरेज भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, मीन भी कहते हैं और एवरेज भी कहते हैं। अब हमको यह समझना है कि किस तरीके का डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो मीन या एवरेज या माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, किस तरीके के प्रश्न या किस तरीके का डाटा हमको क्वेश्चन में दिया जाता है। देखो, तीन प्रकार का डाटा हमारे पास क्वेश्चन में दिया जाता है, या तीन तरीके से क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है। पहला जो टाइप है उसको हम कहते हैं IMDI, BIDUAL, इंडिविजुअल सीरीज। क्या कहते हैं पहले सीरीज को, इंडिविजुअल सीरीज। उसमें जो डाटा रहता है ना, ऐसा लिखा होगा, मान लीजिए 2, 4, 6, 10, बस मान लीजिए इतना है और 20 कर देते हैं के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है, मान लीजिए इसमें 0.5 भी लगा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट वाला भी है या बिना पॉइंट के है कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए क्वेश्चन आपका ये है, ये सिंपल डाटा लिखा हुआ है, इसका अगर मीन निकालना हो, एवरेज निकालना हो या माध्य निकालना हो तो क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास फार्मूला होता है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा, क्या, सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा, नंबर ऑफ डाटा मतलब इन सभी डाटाओं का सम या टोटल अपॉन जितने ये नंबर हैं, 5 नीचे जाएगा। अगर ऐसा ना लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, टोटल ऑफ द गिवन डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा, ये अच्छा। अगर ऐसा ना लिखना हो तो टोटल ऑफ एक्स अपॉन नंबर, कितने फार्मूले बताए, 1, 2 और ये थर्ड वन सबसे अच्छा लगता है मुझे। थर्ड वन में बोला कि माध्य को हम एक्स बार कहते हैं, माध्य को हम क्या कहते हैं, एवरेज या एक्स बार, इसका फार्मूला टोटल ऑफ डाटा अपॉन एन, टोटल ऑफ डाटा मतलब इन सबको ऐड कर लू, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको ऐड कर देना, 2 + 4 + 6 + 10 + 20 अपॉन में कितना चले जाएगा प्यारे बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5 कितने नंबर है ये, 5 बात करता हूं, ऐड कर दो, 20 + 20 + 30 + 10 = 40 by 2 अपॉन 5, ये आपका आंसर है। इसको आप सॉल्व कर दीजिए अगर आपको लगता है तो, कितना आंसर आ जाएगा, मान लीजिए 40 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 × 8 = 40, कितना बचा, 2 डिवाइड जा रहा था नहीं, पॉइंट लगाया 0, 5 × 4 = 20, तो ये आपका आ गया 8.4, दैट इज योर आंसर। कुछ नहीं करना है, इसको 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 जो भी डाटा दिया है ना, जो भी डाटा दे रखा है उसको आप क्या करेंगे, ऊपर प्लस, और ये कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 तो 5 नीचे लिखती है, अब ऊपर वाले को टोटल करा कितना रहा, 42, नीचे 5 गई, 42 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, आपका एक तरह का प्रश्न सॉल्व हो गया है। आज वाला क्वेश्चन तो क्या करेंगे, है ना, उसको देखो, 2.5, 4.5, 3.5, 10.5, मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया, ठीक है ना, इसको भी देख लेते हैं, चलो वही
सम ऑफ डाटा अपन नंबर ऑफ डाटा और कुछ भी नहीं। आपके पास माध्य, माध्य को मीन, माध्य को एवरेज, जो कहना हो वो कहो, ठीक है। और इन सबको हम शॉर्ट में कहते हैं एक्स का बार इक्वल टू टोटल ऑफ क्या डाटा, मतलब इन सबका टोटल, इन सबका समेशन अपॉन एन, इट करा 2.5 + 4.5 + 3.5 + 10.5 अपॉन कितना, कितने नंबर है इसमें, फोर, बिफोर लिख दो बस खत्म, एड कर लो कितना आ देखो, देखो 5.5 5.5 5.5 1 1 1 2 2 2 4 4 4 8 8 3 8 3 11 11 10 21 यही छोड़ दो या डेसिमल्स में बात खत्म, ठीक है। आप लोग डेसिमल में कर लेना, किस तरीके का समझ में आ गया, पहली सीरीज खत्म हो गई, पहली सीरीज खत्म हो गई है, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं है, जो आपका ये नंबर ऐसा दिया है उनको आप एड करिए और में नंबर एड करिए, बात खत्म। चलिए सेकंड टाइप, सेकंड जो टाइप होता है उसको हम कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज, क्या कहते हैं उसको, सेकंड टाइप में आता है आपका डिस्क्रीट सीरीज, निकालना वही है क्या, एवरेज या मीन या माध्य या एक्स बार, ठीक है, कैसे फटाफट समझो। अब जैसे ही सीरीज बदलेगी वैसे ही हमारा फार्मूला बदल जाएगा, ये किसके लिए था फार्मूला, जब आपका डाटा इंडिविजुअल सीरीज में हो, डाटा एक लाइन में लिखा रहे या अलग अलग डाटा हो, डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है कि डाटा रहता है और उसकी फ्रीक्वेंसी रहती है, जब डाटा है कि फ्रीक्वेंसी की बात आती है तो कौन सी सीरीज हो जाती है, डाटा के साथ उसकी क्या हो, फ्रीक्वेंसी हो, इसको हम क्या कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज। मान लीजिए कि इस तरफ लिखा हुआ है 5, 10, 15 और 20, 20 कितनी टाइम्स आ रहा हो, 2 टाइम्स आ रहा हो, 15 कितनी टाइम्स आ रहा हो, 4 टाइम्स, 10 कितनी बार आ रहा हो, 5 टाइम्स आ रहा हो, 5 कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा हो, चलो 5 भी 4 टाइम्स आ रहा है, 6 टाइम्स। मान लीजिए एक डाटा लिखा हुआ है इस तरह से 5, 5, 10, 10, 10, 5, 5, 5, 5, आगे भी लिखा हुआ 15, 15, 15, 20, 15 और 20। मान लीजिए ये आपको डाटा दे रखा है तो इस डाटा का हम टेबुलेशन फॉर्म बनाएंगे, टेबल बना देंगे, हमारे पास इसमें कितने नंबर हैं, एक 5 है, एक 10 है, एक 15 और एक 20, तो 5, 10, 15 और 20 ले लिया, जितनी बार ये रिपीट होंगे उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो देखो आप 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, यह 6 है, समझ में आया, किसी गिवन डाटा का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनता, समझना है, यहां पर 5 कितने टाइम से, 6 बार, 10 कितने टाइम से, 1, 2, 3, 4, 4 और मान लो कितने 5 टाइम्स, 10 कितने टाइम से, और 15 देखो आप 1, 2, 3, 4, 15 कितने टाइम से, 4 टाइम्स, 20 कितने टाइम से, 1, बराबर ना, सब हो गया, यहां का जो डाटा था इसको हमने टेबल फॉर्म में लिख दिया, बराबर समझ में आया कि नहीं आया, कोई समस्या डाउट परेशानी नहीं ना, चलो तो अब इसको भूल जाओ, इसको याद रखो, ठीक है, इस सीरीज को हम क्या कहते हैं, अगर डाटा इस तरीके से आए तो उसको हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, डिस्क्रीट सीरीज, बराबर ना। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन डिस्क्रीट सीरीज का हो, ये इधर कोई नंबर और इधर कोई नंबर,
सीरीज में नहीं दिया जैसे पहले दिया जाता था 10 to 15, 10 to 20, है ना, इस तरीके का डाटा ना हो बल्कि इधर भी नंबर हो और इस तरफ भी क्या हो, नंबर हो। इस तरीके का क्वेश्चन आपको पहले ओल्ड सिलेबस में था, अब नहीं है। ये सिर्फ आपको जानकारी के लिए सिखाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। आपके सिलेबस में है क्या ये? नहीं है। नाइन्थ में फिर देखो, सीखो नाइन्थ में अगर इंडिविजुअल सीरीज रहती तो कैसे सॉल्व करते, क्लियर। नाइन्थ क्लास में जब इंडिविजुअल सीरीज थी तो कैसे करते थे, सबको टोटल कर लेते थे, नंबर से डिवाइड कर देते थे। इस तरीके का अगर प्रश्न रहता था तो देखो क्या करते थे, पता है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते थे, इसको एफ एक्स बोलो या एक्स एफ बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हमको कहना हो तो एक्स एफ कहें या एफ एक्स कहें, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, एफ एक्स का मतलब क्या था, मल्टीप्लाई एक्स का मतलब क्या बेटा, तो 5 6 30, 10 5 15, 15 4 16, 22 14। आप बहुत ध्यान से देखो, एफ एक्स का टोटल कर लो और एफ का टोटल कर लो, फटाफट टोटल करो। एफ एक्स का टोटल मैं करता हूं और एफ का टोटल आप लोग करिए, क्या करते पता है, इस तरफ जो आया ना मल्टीप्लाई करने के बाद इनको ऐड कर लो और f को ऐड कर लो, x को ऐड नहीं करना, ठीक है। 6 5 11 11 और 4 11 और 4 15 तो 17, ये f का टोटल हो गया। इसको जोड़ा तो ये 80 80 और 40 120 120 और 60 180, बराबर ना। कोई समस्या हो ऐड करने में, मेरे से गलती हुई तो बता देना, ठीक है, नहीं समझ में आया फिर देखो, 80 80 और 100 180 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
हाइब्रिड, मीन और एवरेज, इन सबको क्या कहते हैं हम, एक्स बार। और एक्स बार का हमारे पास क्या होता है, फार्मूला। फार्मूला होता है टोटल ऑफ एक्स अपॉन टोटल ऑफ, जब इधर नंबर हो इस तरफ नंबर हो तो ये वाला फार्मूला लगता है। और इसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट मेथड, क्या कहते हैं इसको, डायरेक्ट मेथड। फिर तो समझो, डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, स्टेप डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। अभी हम सिर्फ क्या देख रहे हैं, डायरेक्ट मेथड। फार्मूला होता है fx अपॉन f। अब fx की वैल्यू कितनी है, 180, f की वैल्यू कितनी है, 17। अब 18 को 180 को 17 से क्या कर दो, डिवाइड, आपका क्या आ जाएगा, आपका क्या आ जाएगा, बराबर ना। कोई समस्या है क्या, नहीं होना चाहिए, चलो बिल्कुल इजी वे में समझ लो। कुछ चलिए डाटा दिए हुए हैं दोनों, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इसका टोटल कर लिया, इसका टोटल कर लिया, आंसर ठीक है, नई चीज सीख लिया आपने। सेकंड टाइम भी क्लियर हो गया मेरे बच्चों, क्या ये बात ही वाला टाइम का एग्जाम में आता है क्या, नहीं आता, इसके पहले वाला, इसके पहले वाला आता था पहले, अब नहीं, नाइन्थ क्लास में ये अभी भी आता है, ये भी है और इंडिविजुअल सीरीज भी। अब आखिरी वाला जिसके लिए आप सब लोग ये सब इंतजार कर, उसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस सीरीज। इस तरीके के प्रश्न आप सॉल्व कर लेंगे। अब तीसरा जो सीरीज है कौन सा है, तीसरा सीरीज कौन सा है, कंटिन्यूअस सीरीज, सी ओ एन टी आई एन यू सीरीज। इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपको पहले ही क्वेश्चन हम उठाते हैं, आपका हम आपका पहला ही क्वेश्चन को उठा लेते हैं, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8
8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, बराबर नहीं कर रहे। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, 1, 2, 1, 5, 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3, समझने की कोशिश करना पहले बच्चों। आप बताओ मेरे को, ये आपका क्या है? फ्रीक्वेंसी है? ये आपका एक्स है क्या? नहीं, ये आपका क्या है? क्लास इंटरवल। बहुत अच्छे, आपको कंटिन्यूस सीरीज में निकालना पड़ेगा क्या? मिड वैल्यू की। मिड वैल्यू को हम क्या कहते हैं? कहीं कहीं एक्स कहते हैं, कहीं कहीं एक्स आई भी कहते हैं। चाहे इसको एक्स लिखना हो, चाहे इसको एक्स आई लिखना हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं सिर्फ एक्स लिखता हूं, मुझे एक्स ज्यादा पसंद है। ठीक है, मुझे कौन पसंद है? मेरी एक्स ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं, मेरी एक्स नहीं पसंद है, ये एक्स पसंद है ना। चलो, मुझे सबसे ज्यादा क्या पसंद है? एक्स। इसलिए मैं एक्स लिखता हूँ, एक्स आई नहीं लिखता। ठीक है, चलो ध्यान से देखना। करते क्या है, एक्स जो निकालने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा तरीका है, उसको आपको सबसे पहले समझने की जरूरत। बहुत अच्छे से समझेंगे ना तो समझ में आएगा, बहुत अच्छे से, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। देखो, एक्स एक्स कैसे निकलता है पता है? इन दोनों का टोटल करो, टू से डिवाइड करो। किसका टोटल? इन दोनों का टोटल करो, टू से डिवाइड कर दो। आप ध्यान से देखो कि जीरो में मैं जब टू टू ऐड करूंगा कितना आएगा? टू। और उसके बाद मैं इसको टू से डिवाइड करूं तो टू बन जा कितना आया? वन। अब ये इन दोनों को ऐड करो, टू में फोर ऐड करो कितना आया? सिक्स। इसको टू से डिवाइड कर दो कितना आया? थ्री। इन दोनों को ऐड करो, टेन टेन आया ना, टेन को आधा करेंगे कितना आएगा? फाइव। इन दोनों को ऐड करो, 14 का आधा 2। इन दोनों को ऐड करो, 18 का आधा कितना? 9। इन दोनों को ऐड करो, 22 का आधा कितना? 11। इन दोनों को ऐड करो, 26 का आधा या हाफ किया तो 30। यहां तक आपको कोई डाउट है क्या? अच्छा, अब इसको आप भूल जाओ, इसको आप भूल जाओ। देखो, बहुत ध्यान से देखोगे ना तो बिल्कुल आसान। जैसे सिर्फ क्या करना पता है? इस डाटा को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। इस डाटा के लिए भूलते के लिए भूलते फायदा क्या हुआ पता है? अगर इस डाटा को भूल जाओ और आप इन दोनों को देखो तो ये डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन बन गया ना। इसको आप भूल जाओ तो ये डाटा और ये भी नंबर, ये भी नंबर, मतलब इसके पहले वाला जो मैंने पढ़ाया था डिस्क्रीट सीरीज वो यही था ना। इधर भी नंबर और क्या करते हैं इफेक्ट्स, बराबर ना, वो कर दो 50। ठीक है, चलो फिर से देख लो अच्छे से। ये आपको सीरीज में दिया हुआ था, जहां से खत्म था वहीं से शुरू था, मतलब परफेक्ट है ये, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसका हम क्या निकालेंगे? मिड वैल्यू। मिड वैल्यू को हम क्या कहते हैं? एक्स या एक्स आई जो भी कहना हो। कैसे निकलता है? इन दोनों को ऐड करते हैं, दूसरे डिवाइड कर देते हैं। इन दोनों को ऐड करते हैं, दूसरे डिवाइड करते हैं। डिवाइड कर देते हैं, या क्या? या क्या? इसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। हम किसी का मल्टीप्लाई होगा तो हम क्या बोलते हैं? एफएक्स या एक्सएफ, जो कहना हो। हम क्या निकालते हैं? एफएक्स कितने निकलेगा? 1 * 1 कितना? 2 * 3 का कितना? 5 * 1 का कितना? 7 * 5 का कितना? 9 * 6 का कितना? 11 टू का कितना? ठीक है, समझ में आ रहा प्यारे बच्चों? समझ में आ रहा ना भी? चलो फिर 13 3 का कितना? 13। वापस देख लो, ये आपका क्लास इंटरवल था, इसका अपन ने मिड वैल्यू निकाल लिया ना। हमको मीन निकालना है ना, एवरेज निकालना है ना, माध्य निकालना है ना। कैसे निकलता है? इन दोनों का प्रोडक्ट कर लिया, इन दोनों का प्रोडक्ट कर लिया, इनका 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 अपन क्या कर दिया? प्रोडक्ट। इसका मल्टीप्लाई इसमें, 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 इसका मल्टीप्लाई इसमें। इसके बाद इसका क्या करेंगे? टोटल। इसका क्या करेंगे? टोटल। कैसे टोटल करते पता है? देखो,
एफएक्स का तो समेशन, समेशन क्या है एफएक्स, समेशन एफएक्स कितना आ रहा बताओ और समेशन एफ मैं करता हूं, ठीक है, समेशन एफ कितना आ रहा पता है मैं बताता हूं, 3, 3 और 1, 4, 4 और 5, 9, 9 और 6, 15, 15 और 2, 17, 17 और 3, 20 मैंने निकाल लिया, मैंने जरा कैलकुलेशन कर लिया है, तुम लोग ये वाला कैलकुलेट करो, मैं बताऊंगा कैसे करते हैं कैलकुलेट, है पक्का जरा हो गया फिर आंसर गलत हो जाएगा, एक बार और अच्छे से चलो करते हैं, है ना, हम क्या करेंगे किधर वाले नंबर ऐड करेंगे पहले,
कि मीन निकालते समय की मीन निकालते समय मीन निकाल हाँ बच्चों आप ही ऑपरेट करना है इसको ना पूरी तरह। चलो देखो अरे बच्चों आज हम क्या पढ़ रहे हैं मीन पढ़ रहे हैं। मीन मीन जो है कंटिन्यूअस सीरीज में निकालने के लिए हमारे पास मीन मेथड होती हैं। कौन कौन सी मतलब हम ये टेबल कंप्लीट अगर कर लेंगे ना इस टेबल को अगर हमने जैसा बनाया है इसको अगर हम कंप्लीट कर लें तो हम ये वाला और ये वाला तीनों तीनों जो क्वेश्चन है तीनों जो तरीके हैं सॉरी एक बार में ही कर सकते हैं। मतलब अगर हमको कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है इनका कंटिन्यूस सीरीज में तो हम ये टेबल बनाना सीख लें। ठीक है टेबल कैसे बनाते हैं पता है देखो ये सीरीज दे रखी है ये फ्रीक्वेंसी दे रखा है सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लो बताओ टोटल कितना है फ्रीक्वेंसी का टोटल करो बेटा फटाफट 6 11 7 4 4 2 1 6 11 7 4 4 2 1 कितना होगा 6 11 7 4 4 2 1 35 एक बार कैलकुलेट ढंग से कर लो लगे तो ठीक कैसे लिखो समझ लो कैलकुलेशन कैसे करते पता है ये 6 ये 4 10 10 होगा बराबर 10 इसमें से माइनस 1 कर दो प्लस 1 कर दो सॉरी 10 और 10 कितना हो गया 20 देखो ये 6 और 4 10 10 और 10 इसका ले लिया घटा दिया 10 10 कितना होगा 20 20 और अब देखो 20 और ये 8 और ये 2 10 20 20 और 4 और ये 5 20 बराबर परफेक्ट है कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आपको क्या निकालना पड़ता है पता है मिड वैल्यू एक्स निकालना पड़ता है कैसे निकालता है इसके पहले वाले वीडियो में पता है पहले वाले लेक्चर में पता है फिर से देख लो ये तो फ्रीक्वेंसी लिखी थी इसका हमने टोटल कर लिया 35 ठीक है अच्छा इन दोनों का टोटल करके 2 से डिवाइड कर दो इन दोनों का टोटल करा 25 और 15 कितना 40 40 40 को 2 से डिवाइड करा कितना 20 एक चीज और प्यारे बच्चों ध्यान से देखो कहता है इनका इनका क्लास इंटरवल अगर सेम है 10-10 का है ना 55 और 65 में डिफरेंस कितने का 10 का 25 और 35 में कितने 10 का 15 और 25 में कितने डिफरेंस 10 का तो इस मिड वैल्यू में भी आप 10-10 से आगे बढ़ा दीजिए बराबर आंसर आ जाएगा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है सीधे यहाँ 30 यहाँ 40 यहाँ 50 यहाँ 60 यहाँ 70 आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। फिर से देखो प्यारे बच्चों क्वेश्चन था मीन निकालने का और क्वेश्चन था क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी वाला हमने क्या निकाला मिड वैल्यू इसमें कुछ भी समझने की जरूरत है क्या नहीं कैसे निकालते इन दोनों का टोटल करा उसे डिवाइड करा ये कितना टोटल 40 देख लो 40 को हाफ कितना आता है 20 ये कितना रहा 60 60 का कितना रहा 30 और एक ट्रिक भी है ट्रिक क्या है पहले वाले का निकाल लो कितना 20 इसका डिफरेंस देख लो 10 सब में 10 का डिफरेंस होना चाहिए अगर सब में डिफरेंस 10 का है तो इसको भी आप 10 से आगे बढ़ा दो कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं बराबर समझ में आता है दो चीज आपने निकाल एक चीज निकाल लिया आपने सही 10 निकाल लिया x और एफ के पास ये आपके पास ऑलरेडी था उसका आपने क्या निकाल लिया टोटल कुछ भी नहीं करना एक तीर से तीन तीन शिकार करके दिखाऊंगा मैं अभी चलो इसके बाद क्या करना पता है अब देखो यहाँ पर एक फार्मूला है डी निकालना है पहले फार्मूला है डी का डी कैसे निकलता पता है कैसे निकलता है डी निकलता है एक्स माइनस ए से डी कैसे निकलता है एक्स माइनस ए से अच्छा ए कैसे आता है फिर से देखो बहुत ध्यान से समझो इसमें ए हम कैसे निकालते हैं ए निकालते हैं एक्स में से ए क्या होता है पता है
एक्स में से कोई एक वैल्यू होती है। अच्छा ये एक्स है ना, इसमें से कोई सी एक वैल्यू है, कौन सी लाइन भाई? एक दो तीन चार पांच छह सात डाटा है। तो आप क्या करिए, मान लीजिए एक डाटा होते आठ डाटा होता रहते हैं, बीच कोई सी भी ले लेते। अगर हम किस वे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप हमेशा मिड वैल्यू सेलेक्ट करो। देखो तीन ऊपर से छोड़ा तीन, और ये वाली वैल्यू आपकी हो गई एक। अगर अब मानो एक डाटा होते तो क्या करते, दो ऊपर छोड़ते दो नीचे छोड़ते, सॉरी तीन ऊपर से छोड़ते तीन नीचे छोड़ते दो बच जाती, और उनमें से कोई सी भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऊपर वाली ले रहे हैं कि बस। मान लो यहाँ एक बजे तो वही ले लो, अगर दो बजे तो कोई सी भी ले लो, अगर दो बज जाते तो कोई सी भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक इतना दिया अच्छा करना। अब क्या करो, बीस ये देखो एक्स माइनस ए, एक्स कितना है देखो, एक्स कितना है बीस, और ए कितना है, एक्स कितना है बीस और ए कितना है पचास, और हमको करना क्या है पता है? देखो इधर देखो, हमको करना है एक्स माइनस ए मतलब बीस आगे माइनस पचास पीछे। हर बार पचास पीछे रहेगा ना, हर बार पचास पीछे रहेगा। देखो बीस में से पचास जाएंगे कितना बचेंगे, माइनस के बीस, और यहाँ क्या करेंगे पता है, तीस आगे रहेगा पचास पीछे रहेगा, तीस माइनस पचास माइनस के बीस, चालीस आगे रहेगा पचास पीछे रहेगा, चालीस माइनस पचास माइनस, अब पचास आगे पचास पीछे, पचास में से पचास जा रहे हैं कितना बचेगा, अब साठ आगे पचास पीछे पॉजिटिव वैल्यू, सत्तर आगे पचास पीछे, अस्सी आगे पचास पीछे। ये हमेशा एक बार पहली चीज लिख लेना, ये वैल्यू बदलती रहेगी ना एक्स की, और ये तो फिक्स रहेगा। एक बार एक्स पर क्या रखोगे, बीस बीस माइनस, एक्स की क्या रखोगे, तीस माइनस पचास, चालीस माइनस पचास, पचास माइनस पचास, साठ माइनस पचास, सत्तर माइनस पचास, अस्सी माइनस पचास, बराबर ना? समझ में आया कि नहीं आया मेरे बच्चों? अच्छे से आया ना? चलो अब देखो आपका d आ गया कितना, x माइनस a, d क्या गया x माइनस a। अब क्या निकालना है, u क्या निकालेंगे, u u कैसे निकलता पता है, d d मतलब ये सभी, d मतलब ये सभी, और इनको i से डिवाइड करो, i मतलब क्या पता, इनका डिफरेंस। आई कितना है, ए अपने पास है पचास, और आई कितना मेरे बच्चों, इसका मतलब ये है कि थर्टी को टेन से डिवाइड करो ना, माइनस है क्या बचेगा, माइनस का थ्री, ये क्या बचेगा माइनस का, ये क्या बचेगा माइनस का वन, जीरो बाय टेन जीरो ही आएगा, टेन बाय टेन वन, ट्वेंटी बाय टेन टू, थर्टी बाय टेन ये भी आ गया। आप देखो कि हमको क्या निकालना था, हमको सिर्फ ये दो चीजें दे रखी थी, ये हमने x मान से निकाला, x के बाद भी हमने मान से निकाला, x के बाद क्यों हमने मान से, अगर ये चीजें निकल जाए ना तो तीन चीजें और निकालना, क्यों तीन चीजें और क्यों निकालना, क्योंकि हमें एक फिर से कितने शिकार करने हैं, तीन, ठीक है, इसलिए क्या करो, देखो समझ लो थोड़ा सा, ये पहली चीज है fx, पहली चीज क्या है fx का मतलब क्या होता है, इसका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई, फटाफट करके दिखाओ मेरे को, 620 6 into 20 1 2 0 11 into 30 3 3 0, 7 4 40 280, ना समझ में आया ना दिख रहा होता है, 4 into 50 200 4 into 60 करेंगे 50 में 4 का 200 आएगा, इसमें 240 आएगा, इसमें 240 आएगा, और 1 का 8 में कर देंगे तो 80 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे पता है, fx का टोटल कर लेंगे।
फिर प्लस थ्री जीरो प्लस करते रहो 280 प्लस 200 प्लस 240 प्लस 140 प्लस 80 इक्वल टू हाँ ठीक है कितना है 1300 1390 बराबर ना। ये एक वैल्यू आपके पास आ गई, जैसे ही आपके पास एक्स आया आप इस फार्मूले में रख सकते हो, रख सकते हो नहीं रख सकते ना। तो ये देखो fx का टोटल कितना आ रहा है 1390 अपॉन में कितना है f का टोटल, f का टोटल 35 है। ये इस को इससे डिवाइड कर दो प्यारे बच्चों, आपका पहला तरीका डायरेक्ट मेथड मतलब मीन निकालने का डायरेक्ट जो मेथड है वो आंसर आपका आ जाएगा। करके देखो 1390 डिवाइड बाई 35 और इसका आंसर 39.7 बराबर ना। जैसे करके देखते हैं 1390 डिवाइडेड बाय 35 आपका आंसर है 39.7। इसे ध्यान से समझ लो बच्चों, आपके पास मिडिल निकालने का तरीका इन दोनों को डिवाइड करके एड करके दो से डिवाइड बराबर, उसके बाद डी निकालने का तरीका ये आगे लिखा और ए पीछे लिखा। ए कैसे निकालते पता है, ए निकालना सबसे इंपॉर्टेंट है, एक्स में से बीच वाली वैल्यू, एक्स में से बीच वाली अगर दो बीच में फंस गए तो कोई सी भी एक उसमें से माइनस करके यहां लिखा, फिर आई से डिवाइड किया, आई कितना था 10, आई से डिवाइड किया ये लिख दिया। इसके बाद एफ का एक्सपेंड टू करके गलत टेबल बनाई, ये रही एफएक्स समेशन एफएक्स टोटल एफएक्स समान टोटल है 1390 बाय 35 ये आपका क्या है आंसर। और इन दोनों फार्मूलों को जब आप लगाओगे तो भी आंसर यही आएगा। कैसे आएगा, पहली बात एक तीर से एक शिकार तो कर लिया था, अभी दो शिकार करना बाकी है तो आपकी टेबल में तो बाकी है ठीक है, टेबल को आगे बढ़ाओ दूसरा आंसर भी आ जाएगा। बहुत ध्यान से देखना समझना, एक क्वेश्चन में ही से ही कंटिन्यूअस सीरीज को सॉल्व करने की तीन मेथड है। मीन में कंटिन्यूअस सीरीज में है, अगर कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन है तो मीन निकालने कितने तरीके होते हैं प्यारे बच्चों, तीन। पहला डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं ठीक है। अगला है एज्यूम्ड मीन मेथड, उसको भी सॉल्व करते हैं आगे। चलो उसको सॉल्व करने क्या चाहिए, एफडी। एफडी मतलब पता है क्या, देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें करना, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, मतलब एफ का मल्टीप्लाई एफ वाली कॉलम का मल्टीप्लाई बी वाले कॉलम में करना। चलो सिक्स में किसका करना, 30 का, तो -180 बराबर ना, -180 फिर 11 का 20 में करना तो -220 फिर 7 का 10 में करना तो -70 फिर 4 का 0 में करना तो 0 अरे देखो नहीं इधर 6 का 30 में किया, 11 का 20 में किया, 7 का -10 में किया, 4 का 0 में किया, 4 का 10 में किया तो 40, 2 का 20 में किया, 2 का 20 में करेंगे, 2 का 20 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का 20 में करेंगे, 2 का 20 में करेंगे तो 40 आएगा, 2 का 20 में 40, 1 का 30 में 30। अब आपके पास एक समस्या आएगी, यहाँ वाले तो सब प्लस में है, यहाँ वाले तो इनको एड करके माइनस, बाद में तो सबको प्लस करके फिर दोनों को सॉल्व करना। कैसे, देखो पहले आप क्या करो, पहले आपको क्या करना है, सब माइनस वाले एड करो तो 180 ये सब निगेटिव नंबर है तो एड तो होंगे तो 180 220 और 70 एड करो कितना आ रहा है, देखो 180 प्लस 220 प्लस 70 कितना आया आपके पास 470। इनको जब हम इनको ऐड करते तीनों को तो कितना
नंबर बड़ा है और ये प्लस वाला छोटा है, तो सब्सटिट्यूट होगा। जब भी साइन अलग अलग रहता है तो क्या होता है, सब्सटिट्यूट होता है, और साइन किसका लगता है, बड़े नंबर। तो जब हम 470 में से 110 सब्सटिट्यूट कर देंगे तो माइनस का कितना बचेगा, 360 बराबर ना। फिर से समझा देता हूँ प्यारे बच्चों कि 470 में से अगर मैं सब्सटिट्यूट कर दूंगा 110 तो मेरा आंसर आएगा 360, लेकिन वो कहेगा रहेगा माइनस का, माइनस का 360। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बराबर दिखना चाहिए, माइनस 360, माइनस 360 बराबर ना। अच्छा, जब हमने fx का टोटल निकाल लिया था और f का टोटल हमको मिल गया था तो हमने डायरेक्ट मेथड निकाल ली थी, करो ना उसका आंसर लिख लो। जब हमने डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करा था डायरेक्ट मेथड से, तो हमारा आंसर 39.71 आ गया था। अब इसको हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है। अब हमको किसकी जरूरत है, assumed yield method की, ठीक है, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब हम सेकंड एक तीर से दूसरा शिकार कर रहे हैं, उसका नाम है AASUMED assumed mean method, हिंदी में कहते हैं कल्पित माध्य विधि। उसका फार्मूला है, ये क्या का साइन पता है, एक्स बार मीन का, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ, बराबर ना। कैलकुलेट करना शुरू करो, एक जगह कितना 50 के बाद क्या लगाया मैंने प्लस, एफ डी का वैल्यू कितना निकाला पता है 360, माइनस का माइनस 360 अपॉन 35, बराबर ना। देखो यहां पर एक प्लस है और एक माइनस है, दो दो साइन कभी रह सकते हैं क्या, नहीं। जब प्लस और माइनस होता तो क्या हो जाता है, माइनस, ये हो गया 50 माइनस। अब 360 को 35 से क्या कर दो, 360 को 35 से क्या कर दो, डिवाइड। 360 को जब हम 35 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना था, 10.28। जब हम 360 को 35 से डिवाइड करते हैं तो 10.28 आंसर आता है, बराबर ना। अब देखो, अब हम 50 में से क्या करते हैं, माइनस करते हैं, कितना 10.28, कितना आंसर आ जाएगा 39.7, कितना आंसर आ गया 39.7। पहले वाला देखो, पहले वाला कितना था 39.7, दूसरा वाला भी कितना आया 39.7। टेबल हमने कितनी बनाई, अभी तक शिकार कितने कर लिए, दो, अभी एक बच गया, ठीक है। चलो अब अगला टेबल कंप्लीट करते हैं, टेबल का आखिरी दौर बस, इसके बाद डायरेक्ट अपना आंसर, दो आंसर निकाल चुके हैं, पहला डायरेक्ट मेथड कैसे, बी निकाला, यू निकाला, एक्स निकाला, एक्स मतलब एफ का और एक्स का यू, उसका टोटल कर लिया, एफ का टोटल कर लिया, एक्स का टोटल ऊपर, एफ का टोटल नीचे, पहला पार्ट को सॉल्व, उसके बाद एफ बी निकाला, उसके बाद माइनस वाले अलग एड करे, प्लस वाले अलग एड करे, फिर माइनस वाले को प्लस वाले से सब्ट्रैक्ट किया, साइन किसका रहा, बड़े नंबर का, एफ डी निकल गया। एफ डी निकलने के बाद फिर वो वाला फार्मूला लगा दिया, फिर से देख लो प्यारे बच्चों, एज्यूम के मीन मेथड का फार्मूला ये, जब यहाँ पर प्लस हो यहाँ माइनस हो, दो साइन आ जाए तो एक साइन लगाना माइनस करने से, इसमें से सब्ट्रैक्ट करने का आंसर आ गया, ठीक है। चलो आपका आखिरी चीज बचता है स्टेप डेविएशन मेथड, बहुत अच्छा लगा ना, बहुत अच्छा है। इस एकमात्र लेक्चर से आप पूरी एक्सरसाइज बड़े आराम के साथ कर सकते हैं, ठीक है, हटा दो पूरा। अब हम सिर्फ इतना करते हैं, कि पहले वाले का आंसर लिख लेते हैं डायरेक्ट मेथड से 39.7, दूसरे वाले से जो हमने आंसर निकाला है वो लिख लेते हैं, कल्पित माध्य विधि से जो हमने आंसर निकाला है वो भी कितना है 39.7। अब हम बाद में क्या करेंगे, थर्ड वाले, उसका नाम क्या रहेगा, स्टेप डेविएशन मेथड, उसका हिंदी नाम पार्ट
चलान विधि है, इसका भी बाद में सॉल्व करके देखेंगे। चलो प्यारे बच्चों आ जाओ, जब हमारे पास एक मेथड बाकी है तो हमारे पास एक टेबल भी कंप्लीट करने का एक कॉलम भी बाकी है, टेबल भी कॉलम भी बाकी, उसको भी कंप्लीट करो। कैसे 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 कैसे, एफ यू, एफ कितना है 6 और यू कितना है 3, तो 6 में 3 का इंटू माइनस 18 बराबर ना, 6 में 3 का इंटू इसका यू में इंटू, फिर 11 का 2 में इंटू माइनस का 22, फिर 7 का 1 में माइनस का, फिर 4 का 0 में 0, फोर का वन में, फोर का वन में फोर, टू का टू में फोर, वन का थ्री में, वन का ये थ्री है, ये वन है, वन का थ्री में। अब देखो इसको ऐड किया तो माइनस का फोर 7 बराबर ना, इसको ऐड किया तो प्लस का 11, प्लस का 11 ये माइनस का ये प्लस का सब्सट्रैक्ट होगा एफ यू की वैल्यू आएगी, टोटल एफ यू समेशन एफ यू कितना आया पता है, माइनस का 36, माइनस का 36 लाओ क्योंकि ये प्लस माइनस का है और ये प्लस का है, सब्सट्रैक्ट होगा लेकिन साइन किसका लगेगा, बाय नंबर का। प्यारे बच्चों जैसे ही आप टेबल कंप्लीट कर देंगे तो आप फार्मूला लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। फिर से देखो इसमें फार्मूला अलग और इस वाले में फार्मूला अलग काम देखिए कितना 39.7, इसका मतलब है अगर आपको क्वेश्चन होता है कि एज्यूम्ड मीन मेथड से आप मीन निकालो तो भी आप करेंगे तो आंसर वही आएगा, स्टेप डेविएशन से करेंगे तो भी आंसर, डायरेक्ट से करेंगे तो भी आंसर, फिर जैसा आपको उचित लगे अगली बार से वैसा करना। x का बार इक्वल टू a प्लस समेशन f u, देखो ये प्लस के बाद जो है ना प्लस के बाद अपॉन का साइन लगाना जरूरी है, प्लस पर क्या लगाना जरूरी पता है, a प्लस प्लस पर अपॉन का साइन, टोटल f ऊपर लिखना, टोटल f ऊपर लिखना इनटू i अपॉन टोटल, ये आपका फार्मूला है। फिर से देख लो a प्लस समेशन एफ यू इंटू आई अपॉन समेशन है, ये क्या है आपका फार्मूला, इस फार्मूला पे आप रख दीजिए आंसर आ जाएगा। एक वैल्यू कितनी 50, प्लस की जगह प्लस, प्लस के बाद क्या अपॉन का साइन, एफ यू की वैल्यू कितनी माइनस की 36 इंटू में आई कितना 10, एफ कितना 35, यहां पर प्लस का यहां पर माइनस का, प्लस माइनस का जाता है माइनस, ये 50, ये 360 अपॉन कितना 35 आगे बढ़ा दिया, ये 50 ये माइनस में कितना 360.35 होता है 10.28, इसको माइनस कर दिया 39.7 का काम इस तरीके से। फिर से देख लो 360 डिवाइडेड बाय इस तरह से प्यारे बच्चों मीन निकल गया, इस तरह से हमने मीन मीडियन मॉड सब कंप्लीट कर दिया, ठीक है, ओके धन्यवाद। चलो देखो आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप ये समझिए कि हमने इसके पहले वाले लेक्चर में आपको ये बताया कि हम मीन में मीन को कैसे कैलकुलेट करते हैं
तो उसके लिए हमने बताया तीन तरीके की सीरीज रहती है, तीन तरीके से डाटा आपके पास आ सकता है, उनको आप कैसे उसमें मीन आप निकाल सकते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ये मीन का एक एडवांस्ड वर्जन है। क्या है ये? एडवांस्ड वर्जन, इसको समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, मैं एक चीज आपको फिर से क्लियर कर देता हूँ, जितना बढ़िया एक्सप्लेनेशन मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, इस तरह से शायद कोई आपको करेगा, ये भी समझ लो। मतलब बेस्ट तरीका है, एक तीर से 10-15 शिकार करते हैं अपन, 10-15 ना कर पाए तो 3 शिकार तो कर ही देंगे, बराबर ना। एक तीर से कितने शिकार? अभी तक आपने कितने पढ़े थे? एक तीर से 2 शिकार, अब कितने शिकार होंगे? 3 शिकार। एक तीर से 3 शिकार कैसे करें, बराबर ना। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको समझना है, चलो प्यारे बच्चों, हमको इस चीज को समझना है कि मीन निकालते समय अरे बच्चों आप ही ऑपरेट करना इसको ना, पूरी तरह। चलो देखो अरे बच्चों, आज हम क्या पढ़ रहे हैं? मीन पढ़ रहे हैं। मीन जो है कंटिन्यूअस सीरीज में निकालने के लिए हमारे पास मीन मेथड होती हैं। कौन कौन सी? मतलब हम ये टेबल कंप्लीट अगर कर लेंगे ना, इस टेबल को अगर हमने जैसा बनाया है इसको अगर हम कंप्लीट कर लें, तो हम ये वाला और ये वाला तीनों जो क्वेश्चन है, तीनों जो तरीके हैं, सॉरी, एक बार में ही कर सकते हैं। मतलब अगर हमको कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है जिनका कंटिन्यूअस सीरीज में, तो हम ये टेबल बनाना सीख लें। ठीक है, टेबल कैसे बनाते हैं पता है? देखो ये सीरीज दे रखी है, ये फ्रीक्वेंसी दे रखा है। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लो, बताओ टोटल कितना है? फ्रीक्वेंसी का टोटल बोलो बेटा, फटाफट। 6 11 7 4 4 2 1, 6 11 7 4 4 2 1 कितना होगा? 6 11 7 4 4 2 1, 35। एक बार कैलकुलेट ढंग से कर लो, लगे तो छे कैसे लिखो, समझ लो कैलकुलेशन कैसे करते पता है? ये 6, ये 4, 10, 10 होगा बराबर 10, इसमें से माइनस 1 कर दो, प्लस 1 कर दो, सॉरी 10 और 10 कितना हो गया? 20। देखो ये 6 और 4 10, 10 और 10 इसका ले लिया, ये घटा दिया, 10 10 कितना होगा? 20, 20 और अब देखो 20 और ये 8 और ये 2, 10 20, 20 और 4 और ये 5 20, बराबर परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आपको क्या निकालना पड़ता है पता है? मिड वैल्यू, एक्स निकालना पड़ता है। कैसे निकालता है? इसके पहले वाले वीडियो में पता चला, पहले वाले लेक्चर में बताया। फिर से देखो, ये तो फ्रीक्वेंसी लिखी थी, इसका मैं टोटल कर लिया 35। ठीक है, अच्छा इन दोनों का टोटल करके 2 से डिवाइड कर दो, इन दोनों का टोटल करा 25 और 15 कितना हुआ? 40, 40 को 2 से डिवाइड करा कितना? 20। एक चीज और प्यारे बच्चे ध्यान से देखो, कहता है इनका क्लास इंटरवल अगर सेम है, 10-10 का है ना, 55 और 65 में डिफरेंस कितने का? 10 का। 25 और 35 में कितने? 10 का। 15 और 25 में कितने डिफरेंस है? 10 का। तो इस मिड वैल्यू में भी आप 10-10 से आगे बढ़ा दीजिए, बराबर आंसर आ जाएगा, दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। सीधे यहाँ 30, यहाँ 40, यहाँ 50, यहाँ 60, यहाँ 70, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। फिर से देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन था मीन निकालने का और क्वेश्चन था क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी वाला। हमने क्या निकाला? मिड वैल्यू। इसमें कुछ भी समझने की जरूरत है क्या? नहीं। कैसे निकालते हैं? इन दोनों का टोटल करा, उसे डिवाइड करा। ये कितना रहा टोटल? 40। देख लो 40 को हाफ हाफ कितना आता है? 20। ये कितना? 60। 60 का कितना रहा? 30।
और एक ट्रिक भी है, ट्रिक क्या है, पहले वाले का निकाल लो कितना 20, इसका डिफरेंस देख लो 10, सब में डिफरेंस होना चाहिए, अगर सब में डिफरेंस 10 का है तो इसको भी आप 10 से आगे बढ़ा दो, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बराबर समझ में आता है। दो चीजें आपने निकाली, एक चीज निकाल लिया आपने सही, 10 निकाल लिया एक्स, और एफ के बाद जब आपके पास एबिलिटी था उसका आपने क्या निकाल लिया टोटल, टोटल कौन करेंगे तो समेशन है कितना हुआ 35। एक नया टेबल, सिर्फ इस टेबल को कंप्लीट कर दो, इस टेबल को आप कंप्लीट कर दो, अगर ये टेबल कंप्लीट हो जाएगी ना, कुछ भी नहीं करना, एक तीर से तीन तीन शिकार करके दिखाऊंगा मैं अभी। चलो इसके बाद क्या करना पता है, अब देखो यहां पर एक फार्मूला है डी निकालना है, क्या का फार्मूला है डी का, डी कैसे निकलता है पता है, डी कैसे निकलता है, डी निकलता है एक्स माइनस ए से, डी कैसे निकलता है एक्स माइनस ए से। अच्छा ए कैसे आता है फिर से देखो, बहुत ध्यान से समझो, इसमें ए हम कैसे निकालते हैं, ए निकालते हैं एक्स में से, ए क्या होता है पता है, एक्स में से कोई एक वैल्यू होती है, अच्छा ये एक्स है ना, इसमें से कोई सी एक वैल्यू है, कौन सी लाइन, एक दो तीन चार पांच छह सात डाटा है, तो आप क्या करिए, मान लीजिए एक डाटा होते आठ डाटा कितना करते हैं, बीच कोई सी भी ले लेते, अगर हम किस ले कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं कोई दिक्कत नहीं, ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप हमेशा मिड वैल्यू से लेते हो, तो देखो तीन ऊपर से छोड़ा तीन और ये वाली वैल्यू आपकी हो गई एक, अगर अब मान लो एक डाटा होते तो क्या करते हैं, दो ऊपर छोड़ते दो नीचे छोड़ते, सॉरी तीन ऊपर से छोड़ते तीन नीचे छोड़ते दो बच जाती, और उनमें से कोई सी भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर वाली ले रहे हैं कि बस, मान लो यहाँ एक बजे तो वही ले लो, अगर दो बजे तो कोई सी ले लो, अगर दो बज जाते तो कोई सी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक इतना दिया रख ना, अब क्या करो 20, ये देखो x माइनस a, x कितना है, देखो x कितना है 20, और a कितना है, x कितना है 20 और a कितना है 50, और हमको करना क्या है पता है, देखो इधर देखो, हमको करना है x माइनस a, मतलब 20 आगे माइनस 50 पीछे, हर बार 50 पीछे रहेगा ना, हर बार 50 पीछे रहेगा, देखो 20 में से 50 जाएंगे कितना बचेंगे माइनस के 30, और यहां क्या करेंगे पता है, 30 आगे रहेगा 50 पीछे रहेगा, 30 माइनस 50 तो माइनस के 20, 40 आगे रहेगा 50 पीछे रहेगा, 40 माइनस 50 माइनस 10, अब 50 आगे 50 पीछे, 50 में से 50 जा रहे हैं कितना बचेगा, अब 60 आगे 50 पीछे पॉजिटिव वैल्यू, 70 आगे 50 पीछे, 80 आगे 50 पीछे, ये हमेशा एक बार पहली चीज लिख लेना, ये वैल्यू बदलती रहेगी ना एक्स की, और ये तो फिक्स रहेगा, एक बार एक्स पर क्या रखोगे 20 माइनस, एक्स की जगह क्या रखोगे 30 माइनस 50, 40 माइनस 50, 50 माइनस 50, 60 माइनस 50, 70 माइनस 50, 80 माइनस 50, बराबर ना, समझ में आया कि नहीं आया मेरे बच्चों, अच्छे से आया ना, चलो अब देखो आपका डी आ गया कितना एक्स माइनस ए, डी क्या गया एक्स माइनस ए, अब क्या निकालना है यू, क्या निकालेंगे यू, यू कैसे निकलता पता है, डी डी मतलब ये सभी, डी मतलब ये सभी, और इनको आई से डिवाइड करो, आई मतलब क्या पता है, इनका डिफरेंस आई कितना है, ए अपने पास है 50 और आई कितना है बच्चों, इसका मतलब ये है कि 30 को 10 से डिवाइड करो ना, माइनस है कितना बचेगा माइनस का 3, ये क्या बचेगा माइनस का, ये क्या बचेगा माइनस का 1, 0 बाय 10 0 ही आएगा, 10 बाय 10 1, 20 बाय 10 2, 30 बाय 10 ये भी आ गया। आप देखो कि हमको क्या निकालना था, हमको सिर्फ ये दो चीजें दे रखी थी, ये हमने x मान से निकाला, x के बाद हमने मान से निकाला, x के बाद क्यों हमने मान से, अगर ये चीजें निकल जाए ना तो तीन चीजें और निकालना, क्यों तीन चीजें और क्यों निकालना, क्योंकि हमें एक फिर से कितने शिकार करने हैं, तीन, ठीक है, इसलिए क्या करो देखो समझ लो थोड़ा सा, एक पहली चीज है एपेक्स, पहली चीज क्या है एपेक्स का मतलब क्या होता है, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई,
फटाफट करके दिखाऊं मैं आपको, 620 6 × 20 1 2 0 11 × 30 3 3 0 7 × 28 280 ना समझ में आया ना दिख रहा हूं बताना, 4 × 50 200 4 × 60 240 2 × 20 एक्स करना है 2 × 71 40 1 × 80 80 बहुत अच्छे समझो प्यारे बच्चों, ना समझना तो बोल देना। एथेक्स निकालना है, एथेक्स का मतलब एफ का मल्टीप्लाई एक्स में, और ये रहा एफ ये रहा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेगा 120 आएगा, इन दोनों करेंगे तो 3 × 3 0 आएगा, इन दोनों करेंगे 2 × 0 आएगा, इन दोनों को करेंगे 50 × 4 × 200 आएगा, इसमें इंटू करेंगे 6 × 24 240 आएगा, इसमें इंटू करेंगे 340 आ जाएगा, और 1/8 में कर देंगे तो 80 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे पता है, fx का टोटल कर लेंगे, क्या कर लेंगे fx का टोटल, फटाफट इसका टोटल करने का बता देता है, आराम से करो टोटल, आराम से बहुत आराम से टोटल करो, कर दिया 1 2 0 फिर प्लस 3 3 0 प्लस कर दो 280 प्लस 200 प्लस 240 प्लस 140 प्लस 80 इक्वल टू हाँ ठीक है कितना है 1390 बराबर ना, ये एक वैल्यू आपके पास आ गई, जैसे ही आपके पास एफएक्स आया आप इस फार्मूले में रख सकते हो, रख सकते हो नहीं रख सकते ना, ये देखो एफएक्स का टोटल कितना आ रहा है 1390 अपॉन में कितना है एफ का टोटल 35 है, ये इसको इससे डिवाइड कर दो प्यारे बच्चों, आपका पहला तरीका डायरेक्ट मेथड मतलब मीन निकालने का डायरेक्ट जो मेथड है वो आंसर आपका आ जाएगा, करके देखो 1390 डिवाइड बाई 35 और ये आंसर 39.7 बराबर ना, जैसे करके देखते हैं 1390 डिवाइडेड बाय 35 आपका आंसर है 39.7। इसे ध्यान से समझ लो बच्चों, आपके पास मीडियन निकालने का तरीका इन दोनों को डिवाइड करके एड करके 2 से डिवाइड बराबर, उसके बाद डी निकालने का तरीका ये आगे लिखा और ए पीछे लिखा, ए कैसे निकालते पता है, ए निकालना सबसे इंपॉर्टेंट है, एक्स में से बीच वाली वैल्यू, एक्स में से बीच वाली, अगर दो बीच में फंस रहे हैं तो कोई सी भी एक उसमें से माइनस करके यहां लिखा, फिर आई से डिवाइड किया, आई कितना था 10, आई से डिवाइड किया ये लिख दिया, इसके बाद एफ का एक्स में इंटू करके गलत टेबल बनाई, ये रही एफएक्स समेशन एफएक्स टोटल एफएक्स समान टोटल है 1390/35 ये आपका क्या है आंसर, और इन दोनों फार्मूलों को जब आप लगाओगे तो भी आंसर यही आएगा, कैसे आएगा, पहली बात एक तीर से एक शिकार तो कर लिया था, अभी दो शिकार करना बाकी है, तो आपकी टेबल भी तो बाकी है, ठीक है टेबल को आगे बढ़ाओ दूसरा आंसर भी आ जाएगा, बहुत ध्यान से देखना समझना, एक क्वेश्चन में ही से ही कंटिन्यूअस सीरीज को सॉल्व करने की 3 मेथड है, मीन में कंटिन्यूअस सीरीज में है, अगर कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन है तो मीन निकालने कितने तरीके होते हैं प्यारे बच्चों 3, पहला डायरेक्ट मेथड, ये डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है अगला है एज्यूम्ड मीन मेथड, उसको भी सॉल्व करते हैं आगे, चलो उसको सॉल्व करना क्या चाहिए एफडी, एफडी मतलब पता है क्या, देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें करना, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, मतलब एफ का मल्टीप्लाई एफ वाली कॉलम का मल्टीप्लाई डी वाले कॉलम में करना, चलो 6 में किसका करना 30 का, तो -18
जीरो बराबर ना, माइनस वन एट जीरो, फिर इलेवन का 20 में करना तो माइनस टू टू जीरो, फिर सेवन का 10 में करना तो माइनस 70, फिर फोर का 0 में करना तो जीरो, अरे देखो नहीं जाए, फिर सिक्स का 30 में किया, 11 का 20 में किया, 7 का माइनस 10 में किया, 4 का 0 में किया, 4 का 10 में किया तो 14, 2 का 20 में किया, 2 का 20 में करेंगे, 2 का 20 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का 20 में करेंगे, 2 का 20 में करना तो हो जाएगा 2 का 20 में 14, 1 का 30 में 30। अब आपके पास एक समस्या आएगी कि यहाँ वाले तो सब प्लस में है, यहाँ वाले तो इनको एड करके माइनस, बाद में इनको सबको प्लस करके फिर दोनों को सॉल्व करना। कैसे? देखो पहले आप क्या करो, पहले आपको क्या करना है, सब माइनस वाले एड करो, तो 180 ये सब निगेटिव नंबर है तो एड तो होंगे, तो 180 220 और 70 एड करो कितना आ रहा है, देखो 180 प्लस 220 प्लस 70 कितना आया आपके पास 470। इनको जब हम इनको ऐड करते तीनों को तो कितना आंसर आता है माइनस 47 बराबर ना। अब इन दोनों को ऐड करते कितना आता है 80 और 30 प्लस का 110। बाद में इसको और इसको सॉल्व करोगे तो ये नेगेटिव नंबर बड़ा है और ये प्लस वाला छोटा है तो सब्सट्रैक्ट होगा। जब भी साइन अलग अलग रहता है तो क्या होता है सब्सट्रैक्ट होता है और साइन किसका लगता है बड़े नंबर का। तो जब हम 470 में से 110 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस का कितना बचेगा 360 बराबर ना। फिर से समझा देता हूँ प्यारे बच्चों कि 470 में से अगर मैं सब्सट्रैक्ट कर दूंगा 110 तो मेरा आंसर आएगा 360 लेकिन आएगा रहेगा माइनस का, माइनस का 360 आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बराबर दिखना चाहिए -360 बराबर ना। अच्छा जब हमने fx का टोटल निकाल लिया था और f का टोटल हमको मिल गया था तो हमने डायरेक्ट मेथड निकाल ली थी बराबर ना, उसका आंसर लिख लो। जब हमने डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करा था डायरेक्ट मेथड से तो हमारा आंसर 39.71 आ गया था। इसको हटा दो, इसकी जरूरत नहीं। अब हमको किसकी जरूरत है assumed yield method की, ठीक है? इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब हम सेकंड एक तीर से दूसरा शिकार कर रहे हैं, उसका नाम है AASUMED assumed yield method, हिंदी में कहते हैं कल्पित कल्पित मार्ग विधि। उसका फार्मूला है ये क्या का साइन है पता है, एक्स बार मीन का एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ टी अपॉन समेशन बराबर ना। कैलकुलेट करना शुरू करो, ए की जगह कितना 50 के बाद क्या लगाया मैंने प्लस, एफ टी का वैल्यू कितना निकाला पता है 360 माइनस का -360/30 बराबर ना। देखो यहाँ पर एक प्लस है और एक माइनस है, दो साइन कभी रह सकते हैं क्या, नहीं। जब प्लस और माइनस होता है तो क्या हो जाता है माइनस, ये हो गया 50 माइनस। अब 360 को 35 से क्या कर दो, 36 को 360 को 35 से क्या कर दो डिवाइड, 360 को जब हम 35 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना था 10.28। जब हम 360 को 35 से डिवाइड करते हैं तो 10.28 आंसर आता है बराबर ना। अब देखो अब हम 50 में से क्या करते हैं माइनस करते हैं, कितना 10.28 कितना आंसर आ जाएगा 39.7 कितना आंसर आ गया 39.7। पहले वाला देखो पहले वाला कितना था 39.7, दूसरा वाला भी कितना आया 39.7। टेबल हमने कितनी बनाई ए, अभी तक शिकार कितने कर लिए दो,
एंड ये बच गया है, ठीक है। चलो अब अगला टेबल कंप्लीट करते हैं, टेबल का आखिरी दौर बस, इसके बाद डायरेक्ट अपना आंसर। दो आंसर निकाल चुके हैं, पहला डायरेक्ट मेथड कैसे, बी निकाला, यू निकाला, एफ निकाला, एफ मतलब एफ और एक्स का यू, उसका टोटल कर लिया, एफ का टोटल कर लिया, एक्स का टोटल ऊपर, एफ का टोटल नीचे, पहला मार्क बस। उसके बाद एफ बी निकाला, उसके बाद माइनस वाले अलग एड करे, प्लस वाले अलग एड करे, फिर माइनस वाले को प्लस वाले से सब्ट्रैक्ट किया, साइन इसका रहा बड़े नंबर का, एफ डी निकल गया। एफ डी निकलने के बाद फिर को वाला फार्मूला लगा दिया। फिर से देख लो प्यारे बच्चों, एज्यूम के मीन मेथड का फार्मूला ये है, जब यहाँ पर प्लस हो या माइनस हो, दो साइन आ जाए तो एक साइन लगाना माइनस करने से, इसमें से सब्ट्रैक्ट करने का आंसर आ गया, ठीक है। चलो आपका आखिरी चीज बचता है स्टेप डेविएशन मेथड, बहुत अच्छा लगा ना, बहुत अच्छा है। इस एकमात्र लेक्चर से आप पूरी एक्सरसाइज बड़े आराम के साथ कर सकते हैं, ठीक है, हटा दो पूरा। अब हम सिर्फ इतना करते हैं, कि पहले वाले का आंसर लिख लेते हैं डायरेक्ट मेथड से 39.7, दूसरे वाले से जो हमने आंसर निकाला है वो लिख लेते हैं, कल्पित माध्य विधि से जो हमने आंसर निकाला है वो भी कितना है 39.7। अब हम बाद में क्या करेंगे, थर्ड वाले, उसका नाम क्या रहेगा, स्टेप डेविएशन मेथड, उसका हिंदी में नाम पद विचलन विधि, इसका भी बाद में सॉल्व करके देखेंगे। चलो प्यारे बच्चों आ जाओ, जब हमारे पास एक मेथड बाकी है तो हमारे पास एक टेबल भी कंप्लीट करने का एक कॉलम भी बाकी है, टेबल में कॉलम भी बाकी, उसको भी कंप्लीट करो। कैसे 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 कैसे, एफ यू, एफ कितना है 6 और यू कितना है 3, तो 6 में 3 का इंटू माइनस 18 बराबर ना, 6 में 3 का इंटू इसका यू में इंटू, फिर 11 का 2 में इंटू माइनस का 20, फिर 7 का 1 में माइनस का, फिर 4 का 0 में 0, फोर का वन में, फोर का वन में फोर, टू का टू में फोर, वन का थ्री में, वन का ये थ्री है, ये वन है, वन का थ्री। अब देखो इसको एड किया तो माइनस का फोर 7 बराबर ना, इसको एड किया तो प्लस का 11, प्लस का 11, ये माइनस का ये प्लस का सब्ट्रैक्ट होगा, एफ यू की वैल्यू आएगी, टोटल टोटल एफ यू समेशन एफ यू कितना आया पता है, माइनस का 36, माइनस का 36 नो, क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का है, सब्ट्रैक्ट होगा लेकिन साइन किसका लगेगा, बड़े नंबर का। प्यारे बच्चों जैसे ही आप टेबल कंप्लीट कर देंगे तो आप फार्मूला लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। फिर से देखो, इसमें फार्मूला अलग और इस वाले में फार्मूला अलग, फार्मूला अलग काम देगी कितना 39.7। इसका मतलब है अगर आपको क्वेश्चन बोलता है कि एज्यूम्ड मीन मेथड से आप मीन निकालो तो भी आप करेंगे तो आंसर वही आएगा, स्टेप डेविएशन से करेंगे तो भी आंसर, डायरेक्ट से करेंगे तो भी आंसर, फिर जैसा आपको उचित लगे अगली बार से वैसा करना। x का बार इक्वल टू a प्लस समेशन एफ यू, देखो ये प्लस के बाद जो है ना, प्लस के बाद अपॉन का साइन लगाना जरूरी है, प्लस पर क्या लगाना जरूरी पता है, a प्लस प्लस पर अपॉन का साइन, टोटल f ऊपर लिखना, टोटल f ऊपर लिखना इनटू i अपॉन टोटल, ये आपका फार्मूला है। फिर से देख लो a प्लस समेशन एफ यू इनटू आई अपॉन समेशन, ये क्या है आपका फार्मूला, इस फार्मूले पे आप रख दीजिए आंसर आ जाएगा। a की वैल्यू कितनी 50, प्लस की जगह प्लस, प्लस के बाद क्या अपॉन का साइन, एफ यू की वैल्यू कितनी माइनस की 36 इनटू में आई कितना 10, f कितना 35।
यहाँ पर प्लस का, यहाँ पर माइनस का, प्लस माइनस का जाता है माइनस, ये 50, ये 360 अपॉन कितना 35, आगे बढ़ा दिया, ये 50, ये माइनस में कितना 360.35 होता है 10.28, उसको माइनस कर दिया 39.7, 34 आंसर। किस तरीके से फिर से देख लो, 360 डिवाइडेड बाय 35 आपका क्या आता है 10.28, और उसमें माइनस कर दो 50 तो आपका आता है 39.7। आप देखो, फिर से देखो, डायरेक्ट मेथड से निकाला था तब भी 39.7, एज्यूम्ड मेथड से निकाला था 39.7, और हमने स्टेप डेविएशन मेथड से निकाला तब भी 39, और ये यहां पर क्या लगा हुआ है पॉइंट, ये क्या लगा हुआ है 39.7, ये आपका आंसर। इस तरह से प्यारे बच्चों मीन, निकल गया, इस तरह से हमने मीन, मीडियन, मॉड सब कंप्लीट कर दिया। ठीक है, ओके, धन्यवाद।